बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद बिलाल, योर मैथमेटिक्स टीचर। टुडे वी विल स्टडी अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। इन प्रीवियस लेसन वी स्टडीड अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ लेट्स टेक एन ओके स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म बाई यूजिंग ऑर्डिनरी फॉर्म मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न हाउ कैन वी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड फॉर्म बाई यूजिंग ऑर्डिनरी फॉर्म मेथड। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। इफ ए इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4 एंड बी इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3, फाइंड ए मल्टीप्लाई बाय बी। ओके, ए मल्टीप्लाई बाय बी विल बी इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4, एज हमारे पास जो ए है वो आपके पास ये है तो हम उसकी वैल्यू लिखेंगे और बी की वैल्यू जो है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 है तो हम उसकी वही लिखेंगे। नाउ अगेन व्हाट वी विल डू, वी विल कन्वर्ट दिस स्टैंडर्ड फॉर्म इनटू ऑर्डिनरी फॉर्म। तो कैसे ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना था हमने प्रीवियस लेसन में सीखा। तो 10 पावर 4 को हम कुछ लिखेंगे तो डेट विल बी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3। 10 पावर 3 को हम क्या लिखेंगे, 10 पावर 3 जो है वो 1000 लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 ऐसे लिखेंगे। अगेन हम 7 को 3 से सेपरेट मल्टीप्लाई कर लेंगे और 10,000 को 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगेन 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इट विल बी 21, 21 मल्टीप्लाई बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो आपका जो वैल्यू बनेगी डेट विल बी मल्टीप्लाई विद 21। तो 21 के साथ मल्टीप्लाई करने से आपका जो वैल्यू आई है, अगेन वी विल कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ इट विल बी 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8। हमने जो है वो ऑलरेडी सीख लिया है हाउ कैन वी कन्वर्ट द वैल्यू इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पॉइंट यहाँ पे है, जितने डिजिट पॉइंट मूव करेगा उतनी आपका 10 की पावर आ जाएगी। नाउ टेक अनदर एग्जांपल फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म बाई यूजिंग अनदर मेथड। आपके पास एग्जाम्पल है ए इज इक्वल टू 7.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4 एंड बी इज इक्वल टू 1.9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड ए मल्टीप्लाई बाय बी एंड ए डिवाइड बाय बी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व इट फॉर ए मल्टीप्लाई बाय बी। ए मल्टीप्लाई बी विल बी इक्वल टू 7.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4, क्योंकि आपकी ए की वैल्यू है वैसे लिख देंगे। फॉर बी इट विल बी 1.9 मल्टीप्लाई 10 पावर 3, उसको वैसे ही लिखेंगे। नाउ 7.6 मल्टीप्लाई बाय 1.9 एंड बाई यूजिंग इंडिसेस रूल 10 पावर 4 को हम 10 पावर 3 के साथ ऐड करेंगे तो इट विल बी 10 पावर 4 प्लस 3। नाउ 7.6 मल्टीप्लाई बाय 1.9 इट विल बी इक्वल टू 4.44 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 इट विल बी 7। नाउ वी विल कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पॉइंट एक डिजिट पीछे मूव करेगा तो आपका जो वैल्यू है डेट विल बी इक्वल टू 1.44 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि पावर आपका 10 की बढ़ गई है तो ऑलरेडी हमारे पास 10 7 है, ऐड करेंगे इट विल बी इक्वल टू 10 पावर 8। नाउ ए मल्टीप्लाई बी विल बी इक्वल टू 1.44 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8। नाउ वी विल सॉल्व इट फॉर डिवीजन। ए डिवाइडेड बाय बी विल बी इक्वल टू 7.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4 डिवाइडेड बाय 1.9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3। ये दोनों ए और बी की वैल्यू है तो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट 7.6 डिवाइडेड बाय 1.9 एज 7.6 डिवाइडेड बाय ओवर 1.9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4 डिवाइडेड बाय 10 पावर 3। हम इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे तो 7.6 डिवाइडेड बाय 1.9, तो पॉइंट से पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के बाद वन डिजिट है, इधर भी पॉइंट के वन डिजिट है तो ये कैंसिल होगा, डेट विल बी 76 ओवर 19। तो 76 को जब आप 19 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 4.0 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4। इंडिसेस रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि बेस सेम है, दोनों की बेस 10 है तो 4 माइनस 3 इट विल बी, ठीक है ऐसे लिखेंगे तो फाइनल आंसर विल बी 4.0 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1। होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ लगी होगी हो कैन वी divide and multiply the given standard form. Okay, if you have any problem, query, then you can contact me on my mobile number. Thank you very much. Allah.